हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सैंडविच, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए है ना कितना टेस्टी सैंडविच, देख के मुंह में पानी आ गया फ्रेंड्स। सैंडविच बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने दो प्याज लिया है, एक प्याज को हमने रफली चॉप की कर लिया है और एक प्याज को सलाद के रूप में चॉप किया है, और एक टमाटर लिया मीडियम साइज़ का, उसे भी सलाद के रूप में चॉप किया है उसी शेप में, और थोड़ी सी धनिया पत्ता और 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। तो अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी जीरा ऐड करेंगे, उसके बाद मिर्ची और प्याज डालेंगे जो हमने रफली चॉप किया था प्याज को, और इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो हमारा भून चुका है, तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और एक चुटकी के आसपास हल्दी डालेंगे, और आधी चम्मच के आसपास धनिया पाउडर, और लाल मिर्च भी लगभग एक चुटकी के आसपास हम डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये सैंडविच का स्टफिंग तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छे से इस आलू को भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी गरम मसाला ऐड करेंगे। और फिर 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। और थोड़ी सी धनिया का जो पत्ता है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि इसमें खुशबू और इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाए। तो हमारा फाइनली आलू स्टफिंग तैयार है। अब सैंडविच के लिए हम ब्रेड में आलू लगाएंगे और सॉस लगाएंगे। यहाँ पे हमने टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है। तो एक ब्रेड में हमने टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है, और दूसरी ब्रेड में हम हरी धनिया चटनी का प्रयोग करेंगे। इसे हरी चटनी भी बोलते हैं। दोनों ब्रेड में हम लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इस पे आलू लगाएंगे, ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार किया था। अच्छे से इसे लगभग 1/2 इंच के मोटाई में आलू का परत लगाएंगे हम लोग। वैसे आपको कम ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से इसमें लगाएंगे। अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज और टमाटर जो हमने स्लाइस किया था उसको डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे टमाटर और प्याज को थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करके भी लगा सकते हैं। हमने ऐसे ही लगाया है, तवे पे लगाने से इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाएगा। तो हमारा एक सैंडविच तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे सैंडविच को तैयार किया है। तो हमारा ये दूसरा, अब हम इसे तवे पे रोस्ट करेंगे, इसे ये हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर का भी। तो हमने घी का इस्तेमाल किया यहाँ पे,
तो एक चम्मच हमने घी डाला है, देसी घी जो अपने घर का है, और इसे कुछ ही सेकेंडों के लिए रोस्ट करेंगे ताकि इसके साइड साइड जो है वो इसका कलर भी ब्राउन हो जाए और बाहर से क्रंची हो जाए। बटर में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मेरे पास बटर नहीं था तो हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए हमारा सैंडविच रोस्ट हो चुका है। इसे सुनहरा करने तक फ्राई करेंगे हल्का, और फिर हमने दूसरे सैंडविच को अब हम दूसरे को भी इसी तरह से रोस्ट करेंगे। इसको फ्राई आप कम या ज़्यादा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, आप जैसा क्रंची खाना चाहते हो, जैसा पसंद हो आपको। अब हम इसे पलटेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, घर का डेली का खाना खाते खाते मन भर गया हो तो इस प्रकार की रेसिपी आप अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ये फाइनली हमारा रोस्ट हो चुका है सैंडविच। तो अब हम इसको बीच से क्रॉस करके काटेंगे, स्लाइस करेंगे। तो ये देखिए इसका इसके बीच में जो हमने प्याज और टमाटर और आलू की जो स्टफिंग लगाया था तो उसका टेक्सचर कितना अच्छा है। बारी बारी से हमने इसको भी स्लाइस करके काट लिया है। आप इसे चाहें तो टमाटो केचप के साथ या हरी धनिया चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है फ्रेंड्स। सैंडविच वैसे तो फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये हमने हरी धनिया एक चम्मच डाला है, आप चाहे तो टमाटो केचप या हरी धनिया के साथ खा सकते हैं। तो इसका आप टेक्सचर देख के बता सकते हैं कि आप कितना टेस्टी हो। शायद आपके मुँह में पानी भी आ गया होगा फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।